हैदराबादी ऑथेंटिक चिकन पसंद है। वीडियो देखिए और बनाइए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ चिकन पसंदी। अब ईद के टाइम आप बना सकते हैं इसको। चिकन पसंदों के लिए 1 किलो की बड़ी मुर्गी ले ली और इसके मीडियम पीसेस कर ली। अब इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक बार हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे। आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए मैं छोड़ दी, जब तक दूसरी तैयारी करेंगे। इसके लिए मसाले ली 3 टेबल स्पून भर के है फल्ली, 1 टेबल स्पून है धनिया, 1 टेबल स्पून भर के है खसखस, 2 टेबल स्पून है खोपरा। 4 चीज़ों को मैं अच्छा सा रोस्ट कर ली, इसका अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाले हमारे तैयार हैं। एक बड़ी साइज की प्याज को बारीक कट कर लिए। अब क्या करके एक बर्तन के उसमें डाल में 100 ml ऑयल, प्याज को लाल ब्राउन कर लेना बिरयानी की प्याज की तरह। अब क्या करेंगे, चिकन को दही लगा देंगे। दही है 200 ग्राम गाढ़ा दही, फेंटना उसको अच्छे से, फेंट कर चिकन को लगा देना। चिकन को मैं दही लगा दी, उसको साइड में रख देंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसमें मसाले डाल देंगे जो मसाला हम पीस के रखे थे। मसालों का अच्छा भुनना, अगर ये ड्राई भी हो गया तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा भुनना, इसमें कच्चापन जो है मसालों की कच्ची स्मेल नहीं आना। अक्सर लोग सालन बनाते मसालों का, भूनते सही नहीं और उसमें से मसालों की स्मेल आती, कच्चा बनाता कच्ची स्मेल आती, वो नहीं आना। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, मसालों को मैं अच्छे से भून ली। अब इसमें चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा पानी जो कढ़ाई में मसाला लगा हुआ था वो पानी डाल के डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, चिकन और दही में से दोनों में से पानी छूटता, तो मैं थोड़ा सा पानी डाली। अब इसको एक बार अच्छा मिला लेंगे। अब इसको 15 मिनट तेज फ्लेम पे ढाप पे छोड़ देंगे। 15 मिनट में तेज से पका ली और पानी नहीं डाली मैं, जो पानी जो डाली थी वो अच्छा, और चिकन और दही का पानी छूटता तो पानी की जरूरत नहीं है। अब 15 मिनट तेज से पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर और साबित गर्म मसाला, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा, इलायची। अब इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस, अगर दही खट्टा रहा तो थोड़ा कम देकर डालना, और 1 मुट्ठी भर कोथमीर, 1 मुट्ठी भर पुदीना, 4-5 हरी मिर्चियाँ। अब ये सारी चीज़ें डाल के फ्लेम को धीमा कर देंगे, एक बार अच्छा मिला लेना। फ्लेम को धीमा करके 15 से 20 मिनट धीमे फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। बीच बीच में क्या करना, ढक्कन निकाल के एक दो बार बीच बीच में मिला देना, मसाला है पकड़ भी सकता। 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे दम पे, चिकन हमारा अच्छा सा अच्छा पक जाता है और ग्रेवी जो है मसाले वो भी अच्छी पकती है। 20 मिनट में इसको धीमे पे रखी, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था पानी सूख गया। अब बस काफ़ी है, इसी कंसिस्टेंसी इतनी रहना बस काफ़ी है। अब इस पर दम पे ये निकालने से पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी कोथमीर पुदीना और 2-3 हरी मिर्चों को पीसेस करके डालना लास्ट में दम पे। चलिए अब फ्लेम को बंद कर देके डिश में निकाल लेंगे। पसंदों की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।